हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज पीपली स्थित पैराकीट पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण कर किचन, बार और रेस्टोरेंट का दौरा करके रिकॉर्ड भी चेक किया। मंत्री अरविंद शर्मा बोले, खराब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। दरअसल जुगाड़ से चल रहा पैराकीट मोटेल यहाँ स्टाफ रिटायर होने के बाद भर्ती का रिवाज नहीं है। महज 14 रेगुलर 2 कौशल से काम लिया जा रहा है, जबकि दुगने स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े संस्थान में महज 2 वेटर से ही काम चलाया जा रहा है, जबकि एक वेटर हाल ही में फिलहाल रिटायर भी होने वाला है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पैराकीट पीपली के अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और उनको जल्द ही हल करवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी समय हरियाणा के पर्यटन केंद्र प्रदेश में नंबर 1 होते थे, लेकिन आज कुछ हालात खराब हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से हरियाणा ने टूरिज्म को दोबारा नंबर 1 पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। और सारी बातें इनसे की, इनके स्टाफ से, मैनेजर हैं, और देखते हैं, कई सजेशंस जो हैं आए हैं, कई बातें आई हैं इनकी, उसको देखते हैं, उनको चर्चा करेंगे, बातचीत करके इसको, इन चीज़ों का समाधान करेंगे। आप उन दिनों को याद करो कि हरियाणा टूरिज्म में जब शुरुआत हुई थी, हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 था। ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये पैराकीट, शमार, आपका मैना, जितने भी बने हुए हैं, ये उस समय की देन है। मुझे याद है जब हरियाणा टूरिज्म के रास्ते पर चला था और नंबर 1 हर जगह इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए थे। अब इसमें देखते हैं बातचीत करके जो कितना हम और आगे इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा को टूरिज्म पर हमारे प्रयास रहेगा कि हरियाणा जिस तरह से पहले टूरिज्म पर नंबर 1 था, इसी तरह से हरियाणा को फिर से हरियाणा को टूरिज्म में नंबर 1 पर लाएंगे सैनी साहब के नेतृत्व में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।